अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, आज का व्लॉग जो है ना, वो मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जो बाकी का व्लॉग है ना, वो अब्बू की बरसी का है, तो मेरे छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बाकी जो व्लॉग है उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो इसीलिए 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इंट्रो भी नहीं शूट कर पा रही थी और क्लिप्स मैंने छोटे छोटे ले ली, काफ़ी जगहों पर तो लिए भी नहीं, क्योंकि यार बच्चों के साथ और बाकी काम देखना ये वो तो मुश्किल हो रहा था। तो फिर ना मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए, मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। बाकी इंट्रो मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है व्लॉग आप देखेंगे तो इसको याद, अगर बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी, अच्छा और अगर नहीं तो फिर एक ही पार्ट में आएगा। आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। यार वीडियो देखते हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इतने लोग हैं जो अनसब्सक्राइब शो होते हैं, यानी कि 80-90% लोग हैं जो अनसब्सक्राइब है, और एक वो बंदा जो मेरी वीडियो डिसलाइक करता है। जनता माफ नहीं करेगी। वो कमेंट करके जरूर बताए कि भाई वो क्यों डिसलाइक करता है। वो मतलब आता है, अगर उसको इतनी बुरी लगती है तो आके क्लिक करने की जहमत भी क्यों करता है। बात तो सही है, और अगर क्लिक करता ही है तो या तो उसको डिसलाइक और लाइक का मतलब नहीं पता, या फिर पर्सनली वो करता है। अगर करता है तो भाई उसे कोई मेहरबानी है, और अगर दिल से करता है तो बहुत ज्यादा ही मेहरबानी, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अच्छा, अबू की बरसी थी तो उसके लिए फिर हम सामान इकट्ठा कर रहे थे, तो हम 3 दिन पहले से स्टार्ट हो गए थे। तो आज जो था वो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जाके जो देख वाले ने लिस्ट बना कर दी है वो सामान ले आएंगे, यानी कि मसाले वगैरह, बाकी फिर भाई के साथ जाके लेकर आना था। तो अम्मी ने कहा जो चीज़ें हम ला सकते हैं वो हम ले आते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वो फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि हम लोग जा रहे थे, पहले हम लोगों ने जो है ना मसाले वगैरह लेने। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हैदर को चोट लग गई थी सर पे, क्योंकि वो रक्षे के ना सामने वो छोटी सी बेंच बना वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा बताओ, आज आपने क्या किया? हाँ, आज पैंपर छोड़ दिया हैदर ने। वाह, हैदर वो शीशा बार बार लगेगा, इधर आ जाओ अम्मी के साथ। तो फाइनली जी ये अमालनामा खुल गया था, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उसने एक देख का लिख के दिया था, जिसमें हमने वो पकवानी थी, यानी कि कोरमा बनवाना था ना, तो ये उसका सामान लिख कर दिया था। तो हम लोग गए थे खाला की तरफ, तो वैसे ना रोज़े का टाइम हो गया हुआ था, तो फिर मैं ना कज़न के साथ जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो दही भले ले आते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खामोश वीडियो में वो मैं भूल जाती हूँ, अभी नया नया काम शुरू किया था, अक्सर वही समर ही हो जाता है। वो आजकल जिनके पास कार है ना, हाँ, इन्होंने डैश कैम लगाया हुआ है, हाँ, और वो वीडियो बना के व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने बड़े अक्सर मैंने देखा गाड़ियां गुजर रही है, तो उन्होंने कैमरा या तो वो स्टेयरिंग का वो एक होल्डर आता है, और या उन्होंने वो डैश बोर्ड के ऊपर होल्डर सेट किया। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको दिखाती हूँ कि एक रेडी सी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस पर रश चेक करें समोसे वाले की। चेक करके मैं फिर भूल गई कि भाई बोलना साथ। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। भाई लोग कुछ कुछ खुद भी तो देख लेना, मैंने खुद जरूर बताना। लो अभी बच्ची पैदल चल रही है, भाई लोगों का भी नजर आ रहा है पैदल चल रही है। अच्छा भाई, तो अफतारी का टाइम हो गया था, तो फिर आप लोग वो क्लिप देखें। सुनो भाभी, जैसे मर्जी, मैं तो वीडियो बना रहा। ये पकौड़े प्लेटों में निकाल चुके हैं, पकौड़े सबको मिल चुके हैं, ये
ये बाकी लोगों को बांट दिया है ना भाई, मुझे बाद में याद है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा हमने सोचा था कि चना चाट बनाएंगे और जो है ना फ्रूट चाट बना लेंगे, साथ जो है ना वो खजूरें होंगी और खाना होगा। तो उसके लिए पहले हम लोग चने लेने गए थे, तो क्योंकि अम्मी और मैं ही थी और साथ तीन बच्चे भी थे, तो फिर हम लोगों ने सोता भी उतने उठाना था क्योंकि बच्चे भी संभालने थे साथ साथ। और आजकल ना ईद के दिन है तो फिर वहाँ पर ना रश भी बहुत होता है मार्केट में। तो बस यहाँ पर जो है ना अम्मी सदियों से, इसकी दुकान भी सदियों से और अम्मी सदियों से, अम्मी लोग सारी बहनें ना इसी से लेती थी सामान ना, मतलब मसाला जात, तो फिर इसी से लेने जाती हैं जितना मर्जी हम लोग दूर हों। अगर फैसलाबाद वाली बंदी होगी ना तो वो भी इधर ही आएगी। ये मत समझ लेना कि मैंने अम्मी को कहा है सदियों पुराना या इस दुकान को कहा है सदियों पुराना। इस सदियों पुराने का मतलब ये है कि वो जो जैसे एक परंपरा बन जाती है ना, ये वो वाली परंपरा बन गई हुई है कि शुरू से ना यहीं से ले रहे हैं। और बड़ी खाला भी यहीं से लेती थी और जो मेरी छोटी खाला है ना वो फैसलाबाद रहती हैं, वो भी यहीं से लेने आती हैं। मतलब इनके जो मसाले हैं ना वो फ्रेश होते हैं, वो उसी टाइम कूटने के बाद वो लोग सेल करते हैं। मतलब डेली का डेली जो सामान होता है ना वो इनका रिफ्रेश होता है, रिफिल होता है, ठीक है। यानी कि ये नहीं होता कि यहाँ पर आज पड़ा हुआ और कल यही वाला ये बेचेंगे। तो इनका जो है ना ये चीज़ का जो है ना वो मसालों का सिस्टम अच्छा है, तो वो जो हांडी में टेस्ट आता है ना वो भी अच्छा ही आता है इसी वजह से, क्योंकि मसाले जो होते हैं ना वो फ्रेश होते हैं। आप लोग कहीं से भी लेकर देखेंगे ना, मतलब एक डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसकी एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई है ना तब तक लोग कहते हैं एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है ना वो उसको रिफिल करते रहते हैं। इधर इधर ही पहले बताओ क्या अच्छी लगी। अच्छा तहसीन अमीन 3.0 तहसीन अमीन। अच्छा यहाँ पर साथ ही ना कसाई की दुकान थी और मेरे बच्चे जो है ना वो गाय को देख के पागल हो गए थे और वो कह रहे थे कि भाई हमने गाय ही लेनी है। वो देखो भाई साहब, ना ना इधर ही रहना बस। देखा देखिए कौ देखिए अम्मी वो कह रही मुझे नीचे उतार दो, मैं जाऊंगी गाय देखने। कहाँ जाना है? टक्कर मारती है वो क्या? वो पकड़ लेगी। तो यहाँ पर ना वो भाई जिनका मसाले की वीडियो देते हुए बनाई थी, तो वो जो है ना वो कह रहे थे कि अपना नाम बताओ मैं भी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो इसीलिए वो ना मैंने नाम बताया था। तो आप लोग ये ना सोचना कि भाई हर जगह खुद ही लोगों से सब्सक्राइब करा रही है, वो ना असल में खुद ही सब्सक्राइब करना चाह रहे थे तो मैंने इसलिए नाम बताया था। ना ना गाय मारती है तुम्हें पता है, कल इसको जिबा करके ना इसकी बोटी बोटी कर देंगे। अच्छा हाथ नहीं जोड़ते, ईद पे लेंगे ना, बड़ी ईद पे लेंगे। वो देख गाय ने फेस ऊपर कर लिया। अच्छा यहाँ पर ना हम लोगों ने मसाले ले लिए थे और ये जो वीडियो है ना वो 9 से 10 मिनट्स की हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो जो पार्ट दूसरा है ना उसको दूसरे में रहने दो, बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना दूं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और दुआओं में याद रखना, और अगला क्लिप ज़रूर देखना है आपने, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखना है, वो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। कर दिया भाई सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, थैंक यू।